हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक आपने हर एक जनों को अपनी आंखों के पुतले की मानिंद संभाला, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें कि सुबह से लेकर अभी तक प्रभु यीशु आपने मुझे संभाला है, अरे खतरे मुसीबत से बचाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक एक जन को तेरे हाथ में समर्पित करते परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जितने लोग प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में देते हैं, ब्लेस घोषणा करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जाने जाने मार्ग में सरदूत के बारे में रखा, अभी तक संभाला और आगे भी संभालेगा, धन्यवाद करते हैं। तेरे हाथों में देते हैं जो सचमुच में हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु यीशु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब 14 अध्याय पहला वचन। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सीधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला सख्त तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलती है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल चलन का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्ता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है, और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है, और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, वह अपने चाल चलन का भोग भोगता है। परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। बोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बुझ कर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख धीट होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वो मूर्ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का बाग मूर्ता ही होता है, परंतु चतुरों का ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोगों भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्ता निरी मूर्ता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उसे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है, और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों में से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलंब से को क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्ता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के चलने से हड्डियां भी जल जाती है। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता का निंदा करता है,
परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता वह नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास की रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता है उस पर रोष करता है। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्ता उबल आती है। युवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भलों को दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूड अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से युवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से युवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का भिक्षा करता है उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता है उसकी बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाश लोग युवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन में ठट्ठा करने वाले डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्ता से ही से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख से भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मनोनित भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत से रखे हुए धन से हवा के भय के साथ घोड़ा थोड़ा ही धन तम है। प्रेम वाले घर में साग पात भोजन और बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पिता से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पना निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर का कहा हुआ वचन क्या ही मला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक पर पड़ने से बच जाता है। यौवन कार्यों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमा को अटल रखता है। बुरी कल्पना युवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध मन शुद्ध जन के वचन मन भावनी है। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु गुस्स से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में तो सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। युवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन का आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमान के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। प्रभु यीशु की तारीफ और परमेश्वर आज के इस वचन से प्रभु को बताया कि आशीष बुद्धि की बातें हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु प्रभु जी। इस नीति वचन के प्रभु धन्यवाद करते जो अपने परमेश्वर वर्ष दिया। ओ धन्यवाद यीशु, के जनों को तेरे हाथ में देते हैं और ब्लेस घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना करती जो लोग बीमार यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा जाए, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राइट नाउ जो बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, हर एक स्पिरिट जाए, दुष्टात्मा से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु की जिनकी शादी टूट चुकी है या फिर रुक चुकी है, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में टूटा हुआ
मैं प्रार्थना करती हूँ के समर्थ्य नाम आपका टूटा परिवार जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ टूटे रिश्ते जुड़ जाए, टूटी हुई शादी जुड़ जाए यीशु के समर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के समर्थ्य नाम में। प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक देके चलाना परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये बंधन टूट जाए, हर एक स्पिरिट हर एक दुष्टात्मा आपके जीवन का परिवार को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया रबा कत्ती रबा शंत रबा कत्ती रबा कत्ती रबा। पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे लोगों को परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना। आज भी आपका आगमन आने से हम सभी इसमें हम बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, अपनी गवाही देना ना भूले, अपनी भेंट, अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु सदानंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।